नमस्कार, मैं हूँ चांदनी राज और आप देख रहे हैं लोग बात, जनता की बात जनता के साथ। आज मैं फिर बात करूंगी इसी नोवल कोरोना वायरस के बारे में। जी हाँ, वैसे तो व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया से इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल रही होगी, कुछ गलत भी होगी और कुछ सही भी होगी। और इसी सही और गलत के चक्कर में लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो। तो लोगों के मन में इसके कारण डर का एक माहौल बना हुआ है कि उनको अगर कोरोना वायरस हो गया तो क्या होगा। बहुत से लोग घबराए हुए हैं, यहाँ तक कि लोग आजकल न्यूज़पेपर पढ़ने से भी डर रहे हैं। सब में कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल भी हैं। हालांकि ये सवाल छोटे छोटे हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये सवाल बहुत बड़े हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ इस कोरोना वायरस के बारे में। जो ये कोरोना वायरस है, वुहान शहर से आया, जो कि चीन में है। जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ तो बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग वहाँ पर गए हुए थे, कुछ बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी काम, अलग अलग काम के लिए लोग वहाँ गए हुए थे। और जब वही लोग वहाँ से सेम टाइम पे वापस आए अपने अपने शहरों में, अपने अपने जगहों पर, तो इसके कारण जो कोरोना वायरस है पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल गया और आज महामारी का रूप ले चुका है। तो ऐसे में लोगों में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हम अपना बचाव कैसे करें। जैसे कि अगर कोई बाहर से सामान लेके आते हैं तो वो किस हद तक सुरक्षित है उनके लिए। लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि अगर वो बाहर से सब्जियां लाते हैं या दूध की थैली लाते हैं तो उसको क्या साबुन के पानी से धोना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब्जियां लेके आ रहे हैं बाहर से, तो सबसे पहले आप अपने हाथों को साफ कीजिए, एटलीस्ट 20 सेकेंड तक साबुन से धोइए या फिर एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। बात करूँ दूध की थैली की, तो आप वैसे तो वो पूरी कवर होती है, लेकिन जो बाहर का हिस्सा है प्लास्टिक एरिया, आप उसको एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ कीजिए या तो फिर साबुन से अच्छे से उस थैली को धोइए और फिर यूज़ कीजिए। ऐसे में थोड़ा सा डाउट लोगों में ये भी है कि क्या खाने से भी कोरोना वायरस फैलता है। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में जाता है और पेट में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे खाने को पचाता है। तो ऐसे में अगर कोई वायरस हमारे पेट में जाता है तो जो ये एसिड है उस वायरस को ख़त्म कर देता है, मार देता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि खाने से भी कोरोना वायरस फैलता है। साथ ही कुछ लोगों में ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या नॉनवेज खाने से भी कोरोना वायरस फैलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैटर ये करता है कि आप उस नॉनवेज को कैसे यूज़ करते हो, प्रिकॉशंस क्या क्या लेते हो। अगर आप बाहर से चिकन लेके आ रहे हो तो सबसे पहले भी बता चुके, अपने हाथों को अच्छे से साफ कीजिए, जिस थैले में लाए हैं उसको भी डेली टू डेली साफ कीजिए। उसके साथ ही चिकन जो लाए हो, मटन जो भी लाए हो, उसको अच्छी तरीके से वॉश कीजिए और फिर अच्छी तरीके से प्रॉपर उसको कुक कीजिए और फिर बना के खाइए। चिकन खाने से कोरोना वायरस नहीं फैलता। लोगों में ये भी कन्फ्यूजन है कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज है जो कि सांस के द्वारा फैलता है। जी हाँ, रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया कि वुहान में एक मार्केट है, सी फूड मार्केट, जहाँ पे समुद्री जीव को इकट्ठा रखा जाता है। तो जो रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि जो ये वायरस है, ह्यूमन वायरस और एक एनिमल वायरस के म्यूटेशन से ये वायरस उत्पन्न हुआ, जिसे आज हम नोवल कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। ये वायरस ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन बॉडी में फैलता है। जी हाँ, ये एकदम ह्यूमन वायरस है, मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। बात करूँ कि ये फैलता कैसे, तो ये वायरस जो है सांस के द्वारा फैलता है, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। अगर ये ड्रॉपलेट्स किसी पर चिपक जाते हैं और फिर वही व्यक्ति अपने हाथ से अपने फेस को, नाक को, किसी चीज़ को टच करता है तो नाक के थ्रू ये फेफड़े में चले जाते हैं और फिर वायरस शरीर में फैलता है। छोटे छोटे सवालों के साथ कुछ सवाल और भी हैं लोगों के मन में। जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि गर्म पानी से कोरोना वायरस से अपने आप को बचाया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता जरूर बढ़ा सकते हैं। हर बॉडी की अपनी एक शक्ति होती है रोगों से लड़ने के लिए। घरेलू उपाय जैसे कि गर्म पानी पीना, हल्दी वाला दूध पीना या फिर काढ़ा पीना, गर्म पानी पीना, अपनी बॉडी को फिट रखना, योगा करना, ये सभी घरेलू उपाय हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। गर्म पानी हम इसलिए पी सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि गर्म पानी से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। सवाल कुछ इस प्रकार से भी लोगों के मन में उभर रहे होंगे कि आखिर ये वायरस हवा से भी फैलता है क्या। तो मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ये वायरस मुझे हुआ है, तो इस वायरस के दौरान मुझे खांसी भी होगी, तो खांसी में जैसे एक नॉर्मल खांसी खांसती हूँ हवा में और दूसरा कि मैं अपने फेस को ढककर खांसती हूँ तो इन दोनों सिचुएशन में मैं सामने वाले को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो वायरस है 1 से 1.5 मीटर तक जाकर सरफेस पर, यानी जमीन पर गिर जाता है
और अगर ऐसी सिचुएशन में जो भी लोग वहां पर उपस्थित होंगे, या तो ये वायरस उनके हाथ पे, फेस पे, कहीं पर भी या कपड़ों पे चिपक जाएगा। और अगर बात करूं घर की, मैंने उन्हीं इन्फेक्टेड हाथों से फ्रिज को, कूलर को, या घर की किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को छुआ, या बाहर जाते वक्त लिफ्ट को छुआ या सीढ़ियों को छुआ, और सेम चीजों को किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन छूता है, तो उसको भी कोरोना वायरस हो सकता है। तो इसमें मेन सावधानी यही है कि हम किसी भी चीज को अगर छूते हैं तो अपने हाथों को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ करें, या फिर साबुन से एटलीस्ट 20 सेकंड तक साफ करें। सवालों के साथ कुछ सवाल लोगों के मन में और भी उभर रहे हैं कि आखिर हम अपना लैपटॉप ठीक कराने कैसे जाए, फ्रिज खराब हो गया फ्रिज ठीक कराने जाए, या घर की गाड़ियाँ ठीक हो गई खराब हो गई हैं तो उनको कैसे ठीक कराया जाए। तो मैं कहना चाहूंगी कि इस टाइम पे हमें अपनी लाइफ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर हम लग्जरियस चीजें सोचेंगे कि हमारी जो घर की सुख सुविधाएं हमको मिलती रहे, तो आई गेस कि इस बीमारी से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस सिचुएशन में हमको अपनी सरकार का साथ देना चाहिए, लॉकडाउन को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके लक्षणों की कि आखिर अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इसके लक्षण किस प्रकार के होंगे। जो 80-85% जो लक्षण है वो हल्के होते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, लेकिन 10-15% सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि सीरियस होते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होना, जैसे अस्थमा, या फिर बहुत ज़्यादा गले में दर्द होना। तो इस सब सिचुएशन में उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए और सेल्फ क्वारंटाइन करना चाहिए। क्वारंटाइन से लोगों के मन में एक भय सा उभर रहा होगा कि आखिर हमको पूरी दुनिया से अलग कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। क्वारंटाइन यानी कि उस जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ है उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए अन्य व्यक्तियों से अलग रख देते हैं, एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए उसको अलग रख दिया जाता है, सेल्फ क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि उस व्यक्ति से और व्यक्ति को ये कोरोना वायरस ना हो। खबरें कुछ इस प्रकार से भी है कि जो ये कोरोना वायरस है बच्चों में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे 100% सुरक्षित हैं। बच्चों को अभी भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि ये वायरस जो है बुजुर्गों यानी कि 60-70 साल के जो ऊपर के व्यक्ति हैं उनको इससे, इस वायरस से ज़्यादा खतरा है। अगर उनको साधारण बीमारी के साथ साथ कुछ अन्य बीमारी भी हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, शुगर, ब्लड प्रेशर, तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों को कोरोना वायरस ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उन लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में कोरोना वायरस से बुजुर्गों को थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रखना चाहिए, उनको ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। और साथ ही ये जो वायरस है नौजवानों में, युवाओं में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इस वायरस से लड़ने की वो थोड़ी सी प्रबल होती है। लेकिन इस टाइम पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का पालन करें, अपने हाथों को जितना हो सके अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ करें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ना हो तो साबुन से एटलीस्ट 20 सेकंड तक इसको प्रॉपर तरीके से अपने हाथों को साफ करें। सिर्फ हाथ को ही नहीं, अपने घर की हर उस ऑब्जेक्ट को, हर उस चीज़ को साफ करें जिसको आप छूते हैं। साथ साथ मोबाइल सबसे गंदा ऑब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगी चिपकी होती है। आप लोगों को अपने मोबाइल को भी ज़्यादा से ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए लोग बात। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और देखते रहिए लोग बात। धन्यवाद।